मुंबई के कुर्ला में अंजुमन मुस्लिम साह बिरादरी द्वारा छात्र छात्राओं के उत्साह वर्धन के लिए पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जावेद साह ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और उनका उत्साह वर्धन किया गया। हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो अपने बच्चों को आगे ले आके वो ऊंचाई पे जा सकता है, और तालीम से इंसान जो है अधूरा नहीं रह सकता, ये हमारा उद्देश्य है। आज का शाह बिरादरी जो है ये हमारा जो सन 1972 में इसकी बुनियाद डाली गई और 76 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो वहां से 76 से चली आ रही, पिछले टाइम में जो भी हमारे बुजुर्गों की जो भी कुर्बानियां रही है, जो यहां तक उन्होंने लाकर रखा, और उसके बाद हम नौजवानों को लेकर जो पूरे महाराष्ट्र के यहां जिम्मेदार हमारे साथ है, यही हमारा ये बोलना है कि भाई हमको काम करना है और हमारे बिरादरी के लिए हमको एकजुट होना है, ये हमारा देगा। जो मैंने मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र के अंदर 1921 से काम कर रही है, आजादी से पहले से, कि हमारे बुजुर्गों ने आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, ये तारीख उठा के देख सकते हैं। 1921 से लेकर अभी तक जो भी हमारी बिरादरी काम कर रही है, 1971 से 1972 से इसका नाम अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी में तब्दील किया गया है, और 1972 से हमारी कमेटी इस मसले पे काम कर रही है कि हमारी बिरादरी के अंदर तालीमी बेदारी बढ़े। वजह इसलिए है कि मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर सरकार ने हमेशा से ध्यान नहीं दिया है। सरकार कोई भी आए, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी आए, मुसलमानों को फुटबॉल समझ के खेला गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि जैसा शाह बिरादरी अपनी कम्युनिटी को लेकर मेहनत कर रही है, ऐसा हर कम्युनिटी, हर कबीला मुसलमानों का इसी तरीके से मेहनत करे, तो हमको कोई सरकार के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी बच्चों में तालीमी बेदारी को बढ़ाना चाहती है। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है पढ़ने के अंदर, या फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है, तो अंजुमन मुस्लिम के जिम्मेदारन उस सेक्टर में मेहनत करेंगे, और हमारी बिरादरी इस तरीके से 1972 से काम करते आ रही है और आगे भी करते रहेंगी।